अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फरी आइडियाज़। आज की इस वीडियो में मैं आपको कम कपड़े में कलियों वाला एक बहुत ही खूबसूरत सा फ्रॉक बनाना बताऊंगी, जिससे आपका घेर भी खुला बनेगा, आपकी कलियां भी अच्छी खासी आ जाएंगी और आपका फ्रॉक भी अच्छा सा बन जाएगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और लाइक ज़रूर किया करें, ताकि मुझे पता चल सका करे कि आपकी पसंद क्या है और आपको क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, कमेंट्स मैं सबके पढ़ती हूँ, मुझे सबकी इन्फॉर्मेशन होती है कि किसको क्या रिक्वायर्ड है, किसकी क्या मर्ज़ी है और किसके लिए क्या मुश्किल हो रहा है। तो इसीलिए कहती हूँ कि कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक भी करें और साथ साथ जो न्यू है वो सब्सक्राइब जरूर करें। कपड़ा जो मेरे पास पड़ा हुआ है ये क्रिंकल लॉन है, आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। ये जो कलियों वाला फ्रॉक मैं आपको बताने लगी हूँ, इसके लिए आपको कपड़ा सॉलिड यानी कि एक ही जैसा कलर, आगे पीछे से उल्टी साइड सीधी साइड एक ही जैसे कलर की होनी चाहिए, या फिर आप ऐसा ले सकते हैं जिसका ऑल ओवर प्रिंट होता है, जैसे कि एक ही जैसा प्रिंट होता है, ना उसके ऊपर की तरफ फूल जा रहे होते हैं ना नीचे की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन ये बनता बहुत ही खूबसूरत है। जो मैंने कपड़ा लिया हुआ है ये 3.25 गज का कपड़ा है और इसकी जो विड्थ है यानी जो इसका अर्ज है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, वो 54 तक है। जो ये वाला अर्ज होता है ये 54 यानी 2.25 गज का है, और जो इसकी कपड़े की लंबाई है वो 3.25 गज है, 3 गज भी आप ले सकते हैं। तो आपने करना ये है कि इसको प्रेस करना है कपड़े को, सबसे पहले आपने सारे कपड़े को अच्छी तरह से प्रेस करना है, प्रेस करने के बाद कपड़े को आपने डबल फोल्ड में रखना है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब करते जाया करें और कमेंट्स करके भी बताया करें कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं, आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको बनानी आती हैं और आप मज़ीद क्या क्या सीखना चाहते हैं। लाइक करना तो मत भूला करें बिल्कुल भी, ताकि मुझे आप लोगों का पता चल सके कि आपको पसंद क्या है। अभी ये जो फ्रॉक बना रही हूँ बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं, तो इसकी जो मैं कटिंग करने लगी हूँ वो 40 इंच पे कटिंग करूँगी, क्योंकि नीचे पलटा इसके लगेगा इसको भारी करने के लिए। तो 40 इंच से भी 1-2 इंच में इसको एक्स्ट्रा ही रख रही हूँ, 42 कर रही हूँ, क्योंकि कलियों वाले फ्रॉक में ट्रिमिंग नीचे से चलती ही रहती है कलियों की, इसलिए आपने हमेशा 2 इंच फालतू रखना है। हम इस कपड़े को फ्रंट को अलग कर लेते हैं। और एक और चीज़ कलियों वाले, जैसे कि अब इंशाल्लाह आगे भी नेक्स्ट भी आपको कलियों वाले चीज़ों के हवाले से ही कुछ क्लासेस दूंगी, तो आप लोग शुरू से ही ये चीज़ें नोट डाउन कर लें कि कलियों वाली आप कमीज़ काट रहे हैं, फ्रॉक काट रहे हैं, आपने फ्रंट पहले बैक को बाद में काटना होता है, कभी भी फ्रंट बैक इकट्ठे नहीं काटना। कपड़े की जो साइड करनी है उसको मैं ख़त्म कर रही हूँ, ताकि किसी भी किस्म की खिंच ना पड़े। अब ये हमारे पास अभी सिर्फ फ्रंट है, मैंने इसको करना है डबल फोल्ड। डबल फोल्ड करने के बाद मैं इसको फोर्थ फोल्ड बनाऊंगी, जैसे हम एक शर्ट की कटिंग के लिए बनाते हैं उस तरह से मैं इसको फोर्थ फोल्ड में रख रही हूँ। इसको मैंने फोर्थ फोल्ड किया है और कलियाँ किस तरह कटिंग करनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। मेरी शायद आपने पहले भी इस चैनल पे वीडियो देखी होगी कि मैंने कलियों को कट किया था इस तरह से करके कि यहाँ मिड लेके फिर मैंने दोनों साइड से तिरछी कलियाँ ले ली थी। अब उससे होता क्या है कि ये 8 कलियाँ तो बनेंगी लेकिन इसका फ्लेयर नीचे से बिल्कुल भी बड़ा नहीं बनेगा। आप खुद देख सकते हैं कि ये इतना सा इसका फ्लेयर नीचे से कली का आ रहा है, जैसे कि 6 इंच, ये तैयार होके 5 इंच पे हो जाएगा, नीचे से कली की कोई शेप आ ही नहीं रही है। इसलिए हमने कम कपड़े पे नीचे से कली की शेप कैसे देनी होती है और नीचे से घेर को कैसे बड़ा करना होता है, तो मैंने इसको सिर्फ फोर्थ फोल्ड बनाया है, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि मैंने अपनी कली को नीचे से बड़ा करना है। अब मुझे कलियाँ 8 चाहिए और नीचे से घेर भी बड़ा चाहिए। 8 कलियाँ हमने इस तरह से निकालनी है कि 4 कलियाँ हम नीचे से लेंगे, 4 कलियाँ ऊपर से लेंगे। ये ऑपोजिट साइड वाली कलियाँ होती हैं, ऊपर नीचे वाली कलियाँ, ये मोस्टली ब्रांड्स पे भी यूज़ की जाती हैं, बड़े बड़े डिज़ाइनर्स इस मेथड को यूज़ करते हैं कि कम कपड़े में नीचे से फॉल अच्छी आ सके, फ्रॉक का घेर अच्छा बन सके। उसके लिए अब हमें करना ये कि सबसे पहले आपको अपने तीरे को नोट डाउन करना है कि आपका तीरा कितना है, जैसे कि ये फ्रॉक बन रहा है 15 इंच के तीरे पे और 20 इंच चेस्ट के साथ है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ताकि आपको याद रहे, 20 इंच हमें चेस्ट बनानी है। अब आप 20 बना रहे हैं, 18 बना रहे हैं या बना रहे हैं 24, आपने अपनी चेस्ट को डिवाइड करना है, आपकी जितनी कलियां हैं उन पे आपने डिवाइड कर देना है। जैसे कि ये फ्रॉक बन रहा है 8 कलियों वाला, मतलब 8 फ्रंट और 8 बैक, मतलब 16 कलियां, लेकिन हमने अभी फ्रंट को फोकस करना है,
तो 8 कलियों में आपने 20 को डिवाइड करना है, तो उससे हमारे पास जो तैयार कली का साइज आ रहा है वो आ रहा है 2.5 इंच का। 2.5 इंच तैयार हमें चाहिए ऊपर से कली का, क्योंकि 20 अगर आपकी चेस्ट है और आपकी कलियां 8 डल रही हैं फ्रंट पे, तो आपने 20 तक सीमे 8 करना है। और अगर आपकी चेस्ट 24 इंच है तो 24 तक सीमे 8 करना है। अगर आपकी चेस्ट 18 इंच है तो आपने 18 तक सीमे 8 करना है। जितनी आपकी कलियां होंगी आपने उन्हीं उतनी कलियों पे ही अपने चेस्ट को डिवाइड करना है, तो आपके पास एक्यूरेट साइज कली का निकलेगा। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने 20 तक सीमें 8 किया है, तो मेरे पास तैयार कली का जो साइज़ आ रहा है वो 2.5 इंच आ रहा है, लेकिन मुझे इसमें एक्स्ट्रा रखना है, यानी मैं 2.5 इंच से 3.5 इंच 1 इंच का मार्जिन रख के फालतू रख रही हूँ, जो कि लेफ्ट राइट की सिलाइयों में आधा आधा इंच जाके ये पूरा 2.5 इंच पे आ जाएगा। अब ये हमारा निशान लग गया, 2.5 इंच हमारा निकल आया साइज तीरे के पास से। अब हमने नीचे के जो फॉल देखनी है, वो घेर जो हमारा निकल रहा है वो 9 इंच है। अब हमारे पास देखें जो कली का घेर आ रहा है, जो फ्रॉक के लिए घेर हम तैयार करने लगे हैं, वो एक कली का घेर निकल रहा है हमारे पास 8 इंच का तैयार, यानी कि हमारे पास 9 इंच है लेकिन निकलेगा 8 इंच तैयार सिलाइयों के बाद आएगा। तो जब 8 × 8 × 8 हम करेंगे तो हमारे पास 64 इंच का सिर्फ फ्रंट घेर निकलेगा, 64 और 64 बैक। तो ये अच्छा खासा कम कपड़े में हमने बड़ा घेर निकाल लिया है इस तरह की ऑपोजिट साइड्स कली से। अब ऑपोजिट साइड कली से निकालने का मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको ये 9 इंच का साइज बता दिया, आप चाहें तो 9 इंच का ही निशान लगा सकते हैं यहाँ पे भी, लेकिन आप अगर इसी साइज को फॉलो करना चाह रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे आपने लेफ्ट इधर निशान लगाया, तो ऑपोजिट साइड पे आपने यहाँ से लेना है 3.5 इंच का साइज। ख्याल रहे कि जितना साइज यहाँ से यहाँ तक है उतना ही साइज आपका यहाँ से यहाँ तक भी होगा। आप ये भी मेथड यूज कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 9 इंच का साइज है, तो आप यहाँ से यहाँ पे 9 इंच का साइज रखेंगे तो आपका ये साइज वही आ जाएगा जो ये साइज है। अब ये जो निशान लग चुके हैं, ये दो आपके सबसे मेन निशान हैं, इनको आपने आपस में जोड़ना है। एंची स्टेप से आप जोड़ तो सकते हैं, लेकिन एंची स्टेप निशानों के साथ साथ ना खिसकता है, तो बेहतर यही है कि आप इस्तेमाल करें स्केल का। अब स्केल का इस्तेमाल भी आपने बड़े ध्यान से करना है, ध्यान से इस तरह करना है कि अगर आपका निशान स्केल से उस तरफ है तो आपने इस निशान को भी बाहर की तरफ ही रखना है, जैसे कि मैं आपको बताती हूं। स्केल से उस तरफ मेरा निशान है तो मैं इस साइड को भी स्केल से उस तरफ ही रखूंगी। ऐसा नहीं करना कि आप इधर से इधर निकल जाएं, ये काम नहीं करना। बड़े ही ध्यान से आपने एक तिरछा मैंने यहाँ पे स्केल को रख के अपने निशान मैच कर लिए हैं। अब मैं इन पे निशान लगाऊंगी। निशान आपने बड़े ध्यान से लगाने हैं, अगर तो आपने इसी तरह जोड़ के स्केल रखे हुए हैं। कोई नुकीला निशान आपने लेना है जिसका आगे से शार्प हुआ हो, ताकि आपके निशान अच्छे से लग जाएं। अब आपने स्केल को दबाते हुए निशान लगाने हैं। इस तरह से ये हमारे निशान लग चुके हैं। अब इनकी करते हैं हम कटिंग। कलियां हमारी कट चुकी हैं बीच में से, ऑपोजिट जो हमारी कलियां थी। अब यहाँ पे कपड़े के एक साइड पे आपका जो जोड़ होगा उसको आपने इस तरह से बड़े ध्यान से कट करना है, अलग कर लें। यहाँ पे भी आप देखिएगा कि ये दरमियान आपका बनेगा एक, क्योंकि बड़ा बर है। साइडों के जो जोड़ थे वो मैंने अलग कर लिए हैं यहाँ से भी, और यहाँ से भी आपने भी वो पहले ही अलग कर लेने हैं। अब करना ये है कि आपने एक सिरा उठाना है कली का और आपने इसको इस तरह से रखना है, लेकिन तिरछे हिस्से को तिरछे हिस्से के साथ आपने नहीं जोड़ना। आपका मेथड ये होगा कि एक कली आपकी तिरछी होगी, एक सीधी होगी। आप खुद भी फर्क देख सकते हैं कि ये वाली कली तिरछी है और ये वाली जो साइड है ये सीधी है। हमने जोड़ना इस तरह से कि एक कली सीधी, एक तिरछी, इसी तरह से सारी फ्रंट की कलियां जोड़ लेनी है।
ये तो हमारी कट गई सारी फ्रंट कलियाँ। बैक के लिए जो पीस पड़ा हुआ है आपके पास, आपने बैक भी इसी साइज पे इसी मेथड से कलियों को कट करना है। लंबाई जितनी रखी है, चौड़ाई जितनी रखी है, सब चीज़ें आपने उसी तरह से कट करनी है, सेम यही मेथड है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगी, क्योंकि वीडियो कटिंग में बहुत लेंथी हो चुकी है, आपको कटिंग समझ आ जाए, स्टिचिंग बहुत ही आसान है। स्टिचिंग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसकी स्टिचिंग करनी है। सबसे पहले हम सारी कलियों को फिर इसको हम एक शेप में लेकर आते हैं कि गला भी तैयार करना है, और उसके बाद इसकी अभी देखें आप आर्म होल की कटिंग नहीं हुई, भी वो कटिंग स्टिचिंग करने के बाद होगी। बाजू वगैरह भी आपके ये 3 मीटर के कपड़े में से आराम से निकल आएंगे, क्योंकि ये देखें कि हमारे पास जो ये कपड़ा, आपके पास भी अगर 3 मीटर का कपड़ा है तो वो इतना ही बचेगा। आपने जितना फ्रंट कलियों का साइज निकाला है आप उतना ही निकालेंगे। ये निकल आया हमारी बैक कलियों का, और पीछे ये हमारे पास पूरा पीस है जो कि बाजू और गला बनेगा। बाकी ये तो प्लेन चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, डिज़ाइनिंग वगैरह करनी है तो वो आप ज़रूर कीजिएगा। कलियों वाली फ्रॉक कमीज़ों पे बहुत खूबसूरत लगती हैं। अभी दे मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।